हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल गुजिया। गुजिया को गुजराती में घुघरा कहते हैं, मराठी में करंजी कहते हैं और ये स्पेशली दिवाली या होली जैसे त्योहारों में बनाए जाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से गुजिया बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गुजिया का आटा लगाएंगे। आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मैदा लिया है और उसमें 3 से 4 बड़े चम्मच घी डालूंगी। घी है वो ज़्यादा जमा हुआ नहीं होना चाहिए और एकदम पिघला हुआ भी नहीं चाहिए, बस इस तरह से थोड़ा लिक्विड होना चाहिए। सॉफ्ट गुजिया बनाने के लिए घी का मोइन डालना बहुत ज़रूरी है। अगर घी के बदले आप तेल डालते हैं तो फिर गुजिया इतने सॉफ्ट नहीं बनेंगे। आप देख सकते हैं कि घी और आटे को मिक्स करने के बाद ये अच्छे से बाइंड हो रहा है, इतना घी हमें डालना है। अब हम हल्के गुनगुने पानी से इसको गूंद लेंगे। आटा थोड़ा सख्त ही गूंदना है इसलिए कम पानी लगेगा। यहाँ पे मैंने करीब आधा कप जितना पानी इसमें डाला है और इतने में ये हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आटा मैंने थोड़ा सख्त ही रखा है, जैसे हम पूरी का आटा गूंदते हैं बस इसी तरह से इसका आटा गूंदना है। आटा लग चुका है, आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सख्त आटा ही गूंदा है। बस अब हम इसे 20 से 25 मिनट तक सेट होने के लिए ढक के रख देंगे। अब हम गुजिया का मिश्रण तैयार करेंगे। उसके लिए एक पैन में 1 छोटी चम्मच घी डालेंगे और उसमें मावा को अच्छी तरह से भूनेंगे। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम इंस्टेंट मावा लिया है और मैंने इसको घर पे ही बनाया है। अगर आप भी इंस्टेंट मावा कैसे बनाए वो सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट करें, मैं आपके लिए वो वीडियो भी डाल दूंगी। आप चाहे तो मार्केट से भी मावा ला सकते हैं। मावे को अच्छी तरह से क्रम्बल करके डालेंगे और फिर इसको भूनेंगे। मावा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और इसमें से घी सेपरेट होने लगे तब तक हमें इसे भूनना है। लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। अब देख सकते हैं कि मावा सॉफ्ट हो चुका है, बस अभी हम इसे ठंडा होने देंगे। अब हम इसी पैन में सूजी को रोस्ट करेंगे। उसके लिए 1 छोटी चम्मच घी डालेंगे। घी मेल्ट होने के बाद इसमें सूजी डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। सूजी का कलर हल्का सा ब्राउन होने लगे तब तक हमें इसे लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। सूजी को रोस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हमें इसे अच्छी तरह से भुनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। आप देख सकते हैं थोड़ा कलर अभी इसका चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैंने यहाँ पे बादाम, पिस्ता और किशमिश लिए हैं। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को भी थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। अब इसमें डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा डालेंगे और इसको भी लो फ्लेम पर अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। सभी चीज़ें अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी हैं और इसका बढ़िया कलर भी आ चुका है। अभी हम फ्लेम को ऑफ करके इसे नीचे उतार देंगे और हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसमें भुना हुआ मावा भी डाल देंगे। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें शुगर पाउडर यानी पिसी हुई चीनी डालेंगे। आप चाहे तो तगार भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच शुगर ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अभी हमारा स्टफिंग रेडी है। अब हम आटे को देख लेते हैं। आटे को 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखा था। अभी हम इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे। पहले काफ़ी क्रैक्स थे आटे में लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्ट हो चुका है। थोड़ा सा आटा लेकर इसमें से पेड़े की साइज की लोई इस तरह से बनाएंगे। बस हमें ये साइज की लोई बनानी है और इसको अब हम बेल लेंगे। बस इस तरह से घुमाते जाएंगे और इसको बेलते जाएंगे। गुजिया के लिए जो हम पूरी बेलेंगे वो ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा पतली बेलेंगे तो स्टफिंग बाहर निकल आएगा, इसलिए थोड़ा सा मोटा रखना है। अब इस तरह से इसको चिपकाने के लिए हम पानी लगा देंगे और इसके बीच में स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग भरने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें क्योंकि अगर स्टफिंग कम होगा तो गुजिया खाने में मज़ा नहीं आएगा। स्टफिंग भरने के बाद इस तरह से इसको चिपका देंगे
और सभी साइड से अच्छी तरह से चिपकाना है, क्योंकि अगर अच्छे से चिपकाएंगे नहीं तो फिर ये गुजिया हमारे तलने के टाइम फट जाएंगे और पूरा तेल ख़राब हो जाएगा। अब हम इस तरह से इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। हाथ से ही गुजिया की डिज़ाइन बनाना बहुत आसान है, बस इस तरह से इसको थोड़ा सा प्रेस करें, फिर फोल्ड करें, थोड़ा सा फिर से प्रेस करें, फिर से थोड़ा सा फोल्ड करें। हो सकता है कि आपकी एक दो गुजिया की डिज़ाइन बराबर ना बने, लेकिन एक दो बार बनाने से ये आपको भी अच्छे से आ जाएगा। अभी लास्ट में जो थोड़ा सा बचे इसको पीछे की साइड हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हमारी गुजिया तैयार है। अब मैं आपको दूसरी एक आसान डिज़ाइन बनाना सिखाती हूँ। उसके लिए एक लोई लेकर उसको बेल लेंगे। आप चाहे तो गुजिया का जो मशीन आता है उससे भी बना सकते हैं, लेकिन हाथ से भी ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। अब इसमें भी हम पानी लगाएंगे और स्टफिंग भर देंगे। स्टफिंग भरने के बाद इसको भी इस तरह से चिपका देंगे। अच्छी तरह से चिपका लें। अब इसको फोक की मदद से डिज़ाइन बनाएंगे। बस इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे और ये देखिए बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बनकर तैयार है। ये सारी गुजिया मैंने बना दी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। गुजिया को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। तेल गरम हो चुका है, लेकिन तेल को हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है और गुजिया को लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा तो गुजिया बाहर से फ्राई हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेगी, इसलिए हमें बहुत ही आराम से लो फ्लेम पे ही गुजिया को हल्का सा ब्राउन हो जाए तब तक इसे फ्राई करना है। दोनों साइड से इस तरह से घुमाते जाएंगे और अच्छे से तल लेंगे। ये देखिए इसका थोड़ा थोड़ा कलर अभी चेंज हो रहा है, अभी इसको थोड़ा और फ्राई करना है। ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल देते हैं। बस इस तरह का कलर गुजिया में आ जाए तब तक ही हमें इसे फ्राई करना है। ये देखिए बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम ही सॉफ्ट गुजिया बनकर तैयार है। तो आप सबने देखा कि गुजिया घर पे बनाना कितना आसान है। तो इस बार आप भी दिवाली पे गुजिया घर पे ही जरूर बनाएं और एंजॉय करें। और इसी तरह से नई नई इंटरेस्टिंग रेसिपीज को देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।